हेलो एवरीवन, आई एम प्रसाद चांडक फ्रॉम फायर सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज आज ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी मल्टीबैगर है और जिसमें ये जनरल व्यू या एक जनरल ओपिनियन देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है दैट स्टॉक के अंदर हमेशा SIP करती रहनी चाहिए, बट नो वन टेल्स कि स्टॉक कब हमें लमसम बाय करना चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। SIP तो सारे लोग कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि कब हमें लमसम पैसा लगाना चाहिए और इसका कंफर्मेशन किस तरीके से ले, किस तरीके से ले। तो इसी के साथ शुरू करते हैं स्टॉक एनालिसिस ऑन एशियन पेंट्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो डायरेक्टली ऑन चार्ट्स। तो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ एशियन पेंट्स। और मंथली टाइम फ्रेम इसीलिए जरूरी है बिकॉज एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना इम्पोर्टेंट है। तो अभी एज वी कैन सी कि अगस्त 21 से तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं स्टॉक ने 0 रिटर्न दिए है, एंड द स्टॉक लाइक एशियन पेंट्स शायद बहुत लोग यहाँ पे फंसे होंगे या बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक को क्या हुआ, इज देयर एनी फंडामेंटल चेंज एंड ऑल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी के लिए ही मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ जो हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है दैट सिंस 2004 लाइक ऑलमोस्ट 19 to 20 ईयर्स ये मूविंग एवरेज बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे ब्रेक हुआ था बट स्टिल उतने फास्ट स्टॉक ने रिकवर भी किया, एंड फ्रॉम 2009 इट इज लाइक स्टॉक इज नॉट एबल टू ब्रेक मूविंग एवरेज। इवन वो फिर कोविड का क्रैश लो, 17 का क्रैश हो या जो भी क्रैश रहो, अभी ये जो कंसोलिडेशन में है अभी भी ये स्टिल इसी के पास ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है दैट सपोर्ट इज कमिंग अराउंड 2878। तो एक हम लोग रेंज लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सपोर्ट इज अराउंड 2850 से लेकर 2900। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये हो गया अपना मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस। और ये मल्टी ईयर सपोर्ट है तो इट इज लाइक वी आर होपिंग कि ये सपोर्ट ना टूटे। देन लेट्स मूव ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे चीजें बहुत क्लियर है। वी कैन क्लियरली सी कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन मीन्स पैटर्न। सो पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसका एक फॉर्मेशन अभी बना रहा है ये पैटर्न का, एंड वी कैन क्लियरली सी के ऊपर से 1 2 3 4 टाइम्स रेजिस्ट किया है, नीचे से 1 2 3 4 5 टाइम्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इसका जो सपोर्ट आ रहा है पैटर्न का, ये पैटर्न का सपोर्ट आ रहा है 2890। तो अगेन ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है जो हमने राइट डाउन की थी 2850 से लेकर 2900, तो यही लेवल हमारे पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है जो कि मल्टी ईयर सपोर्ट है। तो कभी स्टॉक आपको यहाँ पे नीचे मिले अराउंड 2900 या 3000 के आसपास, तो वन कैन पुट लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड बाय द वे, इट इज डिस्क्लोजर दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, एंड ये कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं है। इट इज जस्ट कि मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, हम लोग हमारे व्यू शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है। ओके, तो ये था एक एनालिसिस ऑन लॉग चार्ट के ऊपर। तो लॉग चार्ट हो गया, अब इसका टारगेट्स देख लेते हैं कि टारगेट इसका कहाँ पे आता है। लिनियर का टारगेट जो है, लिनियर का टारगेट आ रहा है अराउंड 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट ओके। लिनियर का जो टारगेट आ रहा है दैट टारगेट इज कमिंग अराउंड 4800। तो 4800 में यहाँ पे राइट डाउन लिख लेता हूँ कि टारगेट इज 4800 से लेके 4850। तो यहाँ तक ये स्टॉक जाना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट करंट प्राइस से कभी कैलकुलेट किया जाए तो 50% अपसाइड है, और जहाँ पे रिस्क बहुत कम है। और एशियन पेंट जैसे स्टॉक में रिस्क की तो क्या ही बात होती है, बट स्टिल कि सपोर्ट अराउंड 2800 ही है और टारगेट 4800 है। ये तो इसका लीनियर का टारगेट हो गया। लो कभी लॉग का टारगेट देखेंगे तो लॉग का टारगेट तो और ऊपर आएगा, विच इज कमिंग अराउंड 5500। वेल लेट इट फर्स्ट अचीव 4800 एंड 4850, ये एक रेंज, ये एक टारगेट अचीव करने दीजिए। देन वी क्या देन अनदर हम लोग अपडेटेड वीडियो एशियन पेंट्स के ऊपर
इशू का अपलोड करेंगे, जिसके अंदर ओवरऑल व्यू और जो ऊपर के लेवल से उसको कंफर्मेशन हम लोग देने वाले हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक एनालिसिस एशियन पेंट्स के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड कभी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट है, कोई स्टॉक के बारे में भी आपका एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।